देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ की साफ सुथ मतलब मजा ही आ जाता है। यहाँ पर कोई भी आता है तो मजा आ जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर भाई लोग, हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। गाड़ियाँ भी बहुत सारी है, बाइक। ये देखो ये कैसे वीडियो बना रहा है चुपके चुपके, क्योंकि इसे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। वो बोल रहा है कि यार भैया वीडियो मत बनाओ क्योंकि क्या कुछ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पर एक मतलब एक कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता था, जॉब नहीं करता था मतलब ट्रेनिंग। ऑनलाइन भी होती है क्या पेमेंट? हाँ ठीक है। कैसे आप सभी? एंड आई होप कि आप सभी ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग काफी लेट आ रहा है, उस चीज के लिए तो माफी चाहूंगा। और वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड, हर ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है और अब लेट ही आएगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, तो कोई ना वो तो एडजस्ट करेंगे हम लोग। बट फ्रेंड अभी हम लोग निकल गए, अब जा रहे हैं हम लोग एक बाइक के मतलब बाइक के बाजार में। जी हाँ फ्रेंड्स, वहां पर आपको बताएंगे कितनी सस्ती से सस्ती बाइक मिलती है और कितनी महंगी से महंगी बाइक मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले हम गाड़ी में फ्यूल करवाएंगे क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है और कभी भी धक्का लगाने के चांस आ सकते हैं। तो चलिए पहले तो फ्यूल डलवाते हैं, देन उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको मार्केट। फ्रेंड्स ऐसा है कि वहां पर बाइक मतलब एक मेरा फ्रेंड बोल रहे थे काफी दिनों से कि बाइक के मार्केट चलते, भाई वहां पर काफी सस्ती सस्ती बाइक आती है और अगर उस लेना हो तो हम वहां से परचेस कर सकते हैं और उसे बाइक लेनी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, वरना नहीं जाते। क्योंकि काफी टाइम से वो सोच रहा है कि स्पोर्ट बाइक ले लूं, बट उसका बजट नहीं बैठ रहा है फिलहाल। अभी उसने जैसे तैसे करके घर पे बात की है और घर वालों ने कहा है कि हाँ ले लो इस बार बाइक, तो उसका जो प्लान है वो बना है। तो हम लोग जा रहे हैं सेकेंड हैंड बाइक देखने। वहां पर फ्रेंड्स आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बाइक कैसी रहेगी, कितने प्राइस में रहेगी और कैसी क्या कंडीशन रहेगी, और आपको पूरी डिटेल आप वहीं पर हम लोग पूछ के बताएंगे। और अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी बताइएगा जरूर, और अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां जाके गाड़ी परचेस कर सकते हैं। ये देखो तो भाई ऐसे ही होता रहता है दिन भर कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक होता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होशंगाबाद का रोड है जो कि काफी अच्छा है, और भोपाल में रोडों की पूरी वाइड लग गई है। बाकी व्यू आपको इतना प्यारा मिलेगा जिसकी कोई बात नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा व्यू आ रहा है अभी। तो चलिए कोई ना। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जो मेरे वीडियो में थोड़ा सा एडिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है और वीडियो सही से एडिट नहीं हुई थी, तो फ्रेंड्स वो इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने जैसी भी एडिट हुई जल्दी जल्दी ना कर दी, जिस वजह से वीडियो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। बट ठीक है, मुझे अपलोड भी करना था, काफी टाइम हो चुका है कि वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और अभी भी फ्रेंड्स कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बट ठीक है कोई ना, तो चलिए पहले फ्यूल डलवाते हैं, देन उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फ्यूल डलवा लेते हो, देन उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर फ्यूल, ऑनलाइन भी होती है क्या पेमेंट? हाँ ठीक है, हम तो कैश वाले। तो भाई यहाँ पर हंसी मजाक और सब कुछ चल ही रहा है, चलने तो कोई ना फ्यूल डलो। भाई हवा चेक करवा दो, आगे तीसरी रखना है रविया, क्योंकि टायर देखो गाड़ी के साथ का ही अभी तक पूरा गंजा हो गया। सही में यार अगला टायर चेंज करवाना पड़ेगा भाई। वो सब एक साथ ही काम होगा क्या, मॉडिफाई सब एक ही टाइम पे करवाएंगे अपन, तो हर जगह ऐसे ही बताता है भाई। मीटर ठीक है भैया,
ब्रिज के ऊपर से जाना मजा आता है भाई। ऊपर से चलेगा है ना, ऊपर से चलते हैं। हो गई भैया, ठीक। तो भाई फ्यूल भी हो गया, हवा भी डाल ली है, और अब यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं, क्योंकि अंकित को ब्रिज के ऊपर से जाना है, क्योंकि उसे कुछ शूट करना है। तो हम लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, ये तो खतरनाक खतरनाक भी हो सकता है भाई। ठीक है, कोई ना, चलो ठीक है, इसको करो। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये ब्रिज को देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा ही अच्छा व्यू आता है। और मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो ब्रिज के ऊपर से ही जाता हूँ, चाहे भले ही मुझे नीचे क्यों ना काम हो, मैं ऐसा राउंड मार के वापस आता हूँ और फिर जाके वो काम करता हूँ। बट यहाँ से जाने का मजा ही कुछ अलग है। तो चलिए, अभी अभी बना है तो इसलिए ज्यादा चमक रहा है, बाकी तो फिर कुछ टाइम बाद हाल आपको पता ही है भोपाल के क्या हाल होते हैं। तो चलिए कोई ना, अभी यहाँ से निकलते हैं एंड आपको मार्केट में मिलेंगे अब सीधे फ्रेंड, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही है अभी और हालत हमारी बहुत खराब हो रही है, क्योंकि कुछ भी हमने पानी वानी कुछ भी नहीं पिया काफी टाइम हो गया। और अब वहीं जाके जो भी होगा वहीं रोकेंगे गाड़ी, फिर देखते हैं भाई। सही है यार, क्या लाइफ ऐसी होनी चाहिए भाई, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा, हमारे भोपाल का सबसे बड़ा और सबसे साफ सुंदर अब रेलवे स्टेशन, जो कि हबीबगंज, जिसका नाम रानी कमलावती रख दिया गया है, काफी अच्छा है, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ की साफ मतलब मजा ही आ जाता है यहाँ पर, कोई भी आता है तो मजा आ जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपना वो फ्लैग, इंडियन फ्लैग भी यहाँ पर लहरा रहा है बहुत अच्छे से, तो ये तो देख के सलूट। तो भाई ऐसा माहौल है अपने भोपाल का, कुछ टाइम बाद पूरा एरिया ऐसे ही हो जा रहा चाहिए, क्योंकि घूमने में अच्छा लगता है, ब्लॉग भी अच्छे बनते हैं, व्यूज काफी अच्छे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होगा ये भी टाइम आएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बस आ रही है ना, 7 नंबर बस, काफी टाइम पहले चलती थी और हम लोग इसी में घूमते थे, बट अब ये आगे आपको दिख रही है रेड कलर की बस, अब इसमें हम लोग चलते हैं, और काफी फास्ट चलती है ये, बहुत लोगों को निपटा भी चुकी है वैसे, कम से कम 6-7 लोगों को 6-7 लोगों को नहीं, 6-7 हजार लोगों को शायद। तो काफी फास्ट चलती है बस। तो यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है फ्रेंड, चलते हैं आगे और आगे शूट करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक में क्या लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज्यादा ट्रैफिक करने लगते हैं। यहाँ चेकिंग वेकिंग सब चल रही है, चलने तो हमें क्या, हमें तो बस चलना है, तो चलते हैं। तो यहाँ से स्पीड में निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आगे भी हो सकता है काफी। तो बाकी आप देख लो, यहाँ पर पूरा मेट्रो का काम अभी चल रहा है और काफी बढ़िया काम चल रहा है, और मतलब बहुत जल्दी फास्ट वर्क हो रहा है। मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट अभी काफी ज्यादा काम हो गया है यहाँ पर, और शायद हो सके तो 2 साल के अंदर अंदर मेट्रो भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा है हम लोगों के लिए, हो सके तो हम लोग ब्लॉग भी बनाएंगे मेट्रो में, और भोपाल की मेट्रो भोपाल की होगी भाई, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो तैयारी हो रही है वो कितनी अच्छी और कितनी जोरदार हो रही है, काफी फास्ट वर्क हो रहा है फ्रेंड, बहुत ज्यादा। बस ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि काम इसलिए हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो ट्रैफिक हो गई, कोई ना, ठीक है, बच गया। वो इनोवा में गाड़ी टकरा गई थी, ठीक है, कोई नहीं, इसने ब्रेक मारा भाई। तो चलिए फ्रेंड, जहाँ से चलते हैं, क्योंकि आगे आगे भी चेकिंग होती है, यहाँ तो ज्यादा होती है,
चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि ये जो चौराहा है वो काफ़ी बड़ा चौराहा है और हमेशा यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा ही। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डी वी सिटी मॉल, जो कि भोपाल का नहीं, हमारे भोपाल का बहुत ही बड़ा मॉल है और शायद यही है जो नंबर वन पे है। क्यों यही है जो नंबर वन पे है, काफ़ी अच्छे मॉल है। मेरे को तो हम लोग बहुत कम जाते, लास्ट टाइम शायद क्रिसमस पे गए थे ना, उस टाइम गए थे, काफ़ी माहौल था, तो कुछ समझ में नहीं आया कि यार कैसा क्या है। अरे भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तो हम लोग बस घूमे जल्दी जल्दी, कुछ खाया भी नहीं हमने अंदर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, कब क्या बनता और कब खाते, इसलिए हम लोग बाहर आए, फिर बाहर कुछ खाया, उसके बाद हम घर जा पाए। वो ब्लॉग भी शायद मैं डाला था, इधर से चले देखा है ना। चलिए ठीक है, तो भाई ने इधर का रास्ता नहीं देखा है, भाई तुम्हारे भाई ने देखा है, अपन को सीधा चल रहा है, मैं बताऊंगा कहाँ चल रहा है। तो भाई एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पर एक मतलब एक कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता था, जॉब नहीं करता था मतलब ट्रेनिंग पे आया था 1 ईयर के लिए, और वो पूरे 1 ईयर कंप्लीट किए मैंने, लॉकडाउन में भी आया हूँ और अच्छा लगता है इस कंपनी में। वो आप देख सकते हो ब्लू जो टीना दिख रही है, टीन शेड कंपनी है भाई, तो उस कंपनी में जॉब करने आता था मैं, तो ठीक है बढ़िया मैं अच्छा। अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग जगह होती है, कब कैसा भाई क्या बस चला रहा है पता नहीं, ठोक देता। आज का ब्लॉग तो बनने दे बोल रहे, चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। एंड अब आपको सीधा मार्केट में मिलेंगे, मार्केट के अलावा कहीं भी कुछ नहीं, अब सीधा मार्केट चलते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पर आ गए, गाड़ियाँ भी बहुत सारी है, बट ये देखो ये कैसे वीडियो बना रहा है चुपके चुपके, क्योंकि इसे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। वो बोल रहा है कि यार भैया यार वीडियो मत बनाओ, क्योंकि क्या कुछ बाइक यहाँ पर चोरी की भी होती है, जो कि वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं साफ साफ कि यार नहीं वीडियो मत बनाओ यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ है, क्या है कैसा क्या है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं, बाकी वीडियो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलो बैठो, तो चलते 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 आपको जितनी बाइकें दिख जाए ये सब सेल वाली है। और ये देखिए यहाँ से, वो भाई मना ही कर रहा है सीधा कि नहीं यार भाई कोई वीडियो मत बनाओ, और सब ये जितनी है सब सेल वाली बाइक है। और भाई लोगों का कहना भी है कि हाँ सही है, लेकिन क्या है कुछ बाइकें यहाँ पर चोरी की भी है भाई, इसलिए मना कर रहा है। चलो ठीक है कोई ना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मार्केट देखेंगे एंड वहाँ का आपको बताएंगे जैसा भी हो सकेगा हमसे। तो चलिए फिलहाल यहाँ से फ्रेंड अभी निकलता हूँ एंड आपको आगे मिलता हूँ जैसा भी है, तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए सिटी से, तो चलिए फ्रेंड्स अब सीधा घर चलते हैं, और शाम को एक दूसरी वीडियो शूट करनी है, तो उसके लिए अभी नहीं शाम को ही मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जैसी भी वीडियो लगी हो लाइक सब्सक्राइब धड़ाधड़ करते जाओ, जो करना है करो भाई, अपना क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, तुम्हारा जा रहा है कुछ नहीं जा रहा भाई। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और हो सके तो इससे अच्छा ब्लॉग लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय, टेक केयर।